हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मेंटेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपनी एक पेड स्ट्रेटेजी। और ये जो स्ट्रेटेजी है, ये मैंने खुद डेवलप की है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है, राइट? तो ये जो स्ट्रेटेजी का यूज करके मैं बहुत बार स्कैल्पिंग करता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं इसके अंदर कैप्चर करता हूँ। और इस स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात है, इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे आप एंट्री बनाओगे, आपको इसके अंदर प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है? और लॉस होने के चांसेस तो बहुत कम है, 90% से ऊपर दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी है। और स्पेशली देखिए, इसके अंदर है ना, बड़े प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो, क्योंकि इसका ये जो स्ट्रेटेजी है, हाइकिनेसी कैंडल के ऊपर बेस स्ट्रेटेजी है। जिससे क्या होगा, जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, आपको क्या करना है, अपनी पोजिशन को ट्रेल करना है। रेड कैंडल बनती रहेगी, आपको पोजिशन को ट्रेल करना है। जब अगर बाइंग ट्रेड में है तो रेड कैंडल पे एग्जिट करना है, सेलिंग ट्रेड में है तो ग्रीन कैंडल पे एग्जिट करना है, हाइकिनेसी जो कैंडल है उसके हिसाब से। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, राइट? और एसएल के लिए बहुत ही कम होते हैं, ठीक है? तो फुल बैक टेस्ट करके ये जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ये यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। पहली बार आप लोग जो है ऐसी स्ट्रेटेजी आप मेरे जो चैनल है एवरेज ट्रेडर उस पर देखने वाले हो। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी के पहले देखिए, स्ट्रेटेजी कैसी है, कौन कौन से इंडिकेटर है, उससे पहले मैं आपको इसको बैक टेस्ट करके बता देता हूं। थोड़ा सा बैक टेस्ट करूंगा, उसके बाद में इंडिकेटर्स का नाम सेटिंग क्या रखती है सारी चीजें आपको इसके अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है? तो इसके अंदर है ना, दो इंडिकेटर का हमने यूज किया है और हम लोग चार फ्रेम यूज करने वाले हैं हाइकिनेसी। तो हाइकिनेसी यहाँ पे देखिए, हाइकिनेसी का कैंडलस्टिक वाला चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी फ्यूचर का। यहाँ पे नॉर्मल कैंडलस्टिक वाला बैंक निफ्टी फ्यूचर ओपन है, ठीक है? तो इसके अंदर दो इंडिकेटर बेसिकली यूज है। तो पहला वाला जो इंडिकेटर है 3LS बुल जो इंडिकेटर है, तो जब भी ये जो इंडिकेटर, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, मैं इसको जूम करके बता देता हूं कि कैसे एंट्री बनानी। एंट्री की कंडीशन आप समझ लीजिए, ठीक है? तो यहां पे देखिए, एंट्री की कंडीशन क्या है कि ये जो इंडिकेटर है, ये 3LS बुल जब भी ये सिग्नल दे बाय का, और हमारा जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? हमारा जो ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस कैंडल पे क्या है, इसने बाय सिग्नल दिया और ये ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। और प्लस तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो इंडिकेटर है उसने बाय सिग्नल देना चाहिए। ये 3LS बुल जो है फ्री इंडिकेटर है, ट्रेडिंग में मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद हाइकिनेसी जो कैंडल है वो कैसी होनी चाहिए, उसके नीचे कोई विक नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके नीचे अगर विक है तो उस पर कंसिडर नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाइकिनेसी कैंडल प्लस उसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे देखिए, कोई विक नहीं है, ठीक है? यहां पे कोई विक नहीं है और ऐसी कैंडल है। प्लस तीसरी कंडीशन, ट्रेंड जो है, ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? ट्रेंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाती है ना, तो आपको क्या है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे यहां पे एंट्री बना लेनी। जैसे कि यहां पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, तो एंट्री बनाने के बाद देखिए कितने पॉइंट्स मिले हैं, करीबन 200 पॉइंट मिले, ठीक है? और इस तरफ देखिए कौन सी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है आप देखना, उस तरफ देखिए यह वाली, हाँ ये वाली कैंडल है। तो यहां पर हमने एंट्री बनाई, तो यहां पर देखिए 200 पॉइंट का टारगेट हमें मिल जाता, ठीक है? और एग्जिट कहां पर मिली हमें, इस कैंडल पर एग्जिट मिली, ये देखिए यहां तक। तो ध्यान रखिए यहां तक देखिए, तो 170-180 पॉइंट्स आपको इसके अंदर मिल जाते, ठीक है? तो कंडीशन आपको समझ आ गई है। अब मैं एक सिंगल चार्ट कर देता हूं, ठीक है? सिंगल चार्ट कर देते हैं, ठीक है? अब समझ में आ गया क्या देखना है हमें, ठीक है? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, कितनी कंडीशन आपको देखनी है इसके अंदर। आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहां पर हमें सिग्नल देखना है बाय का, और उसके बाद हाइकिनेसी कैंडल देखनी है जिसके नीचे वीक ना हो, ठीक है? ऐसी कैंडल पे अगर बाय सिग्नल मिलता है, ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो हम बाय के लिए जाएंगे, तो हमें ये प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है? तो अब बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है? अब बैक टेस्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे थ्री सिग्नल मिला है, कैंडल के ऊपर विक भी नहीं है, पर ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, तो हम यहां पे एंट्री नहीं बनाएंगे। उसी तरह से यहां पे देखिए, सिग्नल मिला है, कैंडल के ऊपर विक है नहीं है, तो पर ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पर हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अब देखिए यहां पे देखिए, ठीक है? यहां पे आप देखना क्या है, सिग्नल मिला है, कैंडल के नीचे विक है नहीं है, ठीक है? कैंडल के नीचे विक है नहीं है, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है? ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है? इस जगह पे कितने पॉइंट्स का टारगेट मिला, 200 नहीं तो करीबन 180 पॉइंट तो यहां पर मिल गए हमें, ठीक है? सिंपल है, लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। जहां पे एंट्री बनाओगे वहीं से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए, ठीक है? यहां पे भी हमारी कंडीशन क्या है, हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद कैंडल के नीचे विक है, नहीं है, बाय का सिग्नल है, बाय का सिग्नल है, तीन कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो सेटिस्फाइड होगी तो हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे इस जगह पे। कितने पॉइंट्स मिले, 150 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, सक्सेसफुल, कोई एसएल नहीं हुआ है अभी तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे भी देखिए कैंडल के नीचे बहुत छोटी सी विक है, ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, छोटी सी विक है, ट्रेंड नेगेटिव है, थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या है, फिर से हम देखते हैं, कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन है, कैंडल के ऊपर विक बहुत कम, मतलब छोटी या फिर ना के बराबर होनी चाहिए तो ये चलेगा, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो विक है, नहीं है, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, और हमें सिग्नल मिला है, हाँ सेल का सिग्नल मिला है, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद हमें कितना प्रॉफिट मिला है, तो 200 से लेके 300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये भी ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो जगह पे कैसे हमें ट्रेड को मैनेज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखना, वन बाय वन बैक टेस्ट करेंगे तो वो सारे जो कंडीशन है, सीनेरियो जो है वो आते जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको ये जो ये दो इंडिकेटर है उसके नाम बताऊंगा, और सेटिंग आप देख के जाना, सेटिंग भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कंडीशन क्या है, वीक नहीं होनी चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए, ट्रेंड नेगेटिव है, तो हमने एंट्री बनाई, सीधे 100 पॉइंट का टारगेट मिल गया। ओके, यहां पे क्या है, हमें सिग्नल मिला, वीक नहीं है, पर ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या है, ट्रेंड नेगेटिव है, सिग्नल मिला है, बट वीक भी है, नहीं है, यहां पे क्या है, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए, ठीक है, ये जो देखिए यहां पे क्या है, अब फिर से यहां पे आप चेक करेंगे हम लोग क्या है, तीन कंडीशन क्या है हमारी, पहला विक है, विक क्या है, नहीं है, कैंडल के नीचे विक है, नहीं है, सिग्नल मिला है बाय का, ठीक है, बाय का सिग्नल मिला है, तो यस, दूसरी बात ट्रेंड पॉजिटिव है, यस, ठीक है, सारी चीजें सही हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एंट्री बना लेंगे, तो कितने पॉइंट्स मिले हैं, करीबन देखिए यहां तक अगर हम ले जाते हैं तो 100 पॉइंट का टारगेट यहां भी मिला है, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे क्या है, हमें एंड सिग्नल मिला है, विक भी बहुत कम है, बट ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे। यहां पे भी क्या है, ट्रेंड नेगेटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, यहां पे क्या है, ट्रेंड क्या है, इस कैंडल पे अभी नेगेटिव है, तो यहां पे एंट्री नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ इस जगह पे, ओके, यहां पे देखिए ये इस जगह पे हमारा एसएल जाएगा, क्योंकि देखा भाई तीन कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हुई थी, कौन सी, सिग्नल मिला है, वीक नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव, बट मार्केट ऊपर नहीं गया, तो यहां पे हमारा एसएल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिग्नल मिला है, वीक वाली कैंडल है, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए अब क्या है, कंडीशन क्या है हमारी, सिग्नल मिलना चाहिए, मिला है, कैंडल के नीचे विक नहीं होनी चाहिए, विक नहीं है, हमें बाय का सिग्नल, ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बाय करेंगे, तो एग्जिट कहाँ मिला है, यहाँ पे, तो करीबन 100 पॉइंट यहाँ भी मिल गए हमें, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बन सकती थी, ट्रेंड पॉजिटिव है, सिग्नल भी मिला है, कैंडल के नीचे विक भी नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक करीबन 50-60 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ट्रेंड पॉजिटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव, नेगेटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड नेगेटिव, एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव, एंट्री नहीं, ट्रेंड पॉजिटिव और विक वाली कैंडल, ठीक है, तो यहां पे स्कैल्पिंग हो सकती है करीबन 34 पॉइंट की, ठीक है, यहां पे एक एसएल जाएगा हमारा, ठीक है, यहां पे एसएल हो जाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट में सिग्नल, तीन कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है, तीन कंडीशन क्या है हमारी, कि मार्केट में सिग्नल मिला है, वीक नहीं होनी चाहिए, ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, हो गया, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, कितने पॉइंट्स मिले हैं, 50 पॉइंट्स आराम से मिले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही, मतलब एसएल बहुत कम जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, एसएल बहुत कम जाएंगे, ट्रेंड पॉजिटिव सिग्नल, ट्रेंड नेगेटिव सिग्नल मिला है, ट्रेंड पॉजिटिव सिग्नल मिला है, कोई बात नहीं, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बैक टेस्ट करेंगे इसका, ओके, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी देखिए वीक है, तो इस पर एंट्री नहीं बनाएंगे,
ट्रेंड पॉजिटिव एंट्री नहीं बनाएंगे, ट्रेंड वीक वाली कैंडल एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक हमें सही कंडीशन। हाँ देखिए यहां पे क्या है, ट्रेंड थोड़ा सा हमारा क्या है पॉजिटिव है, छोटी सी वीक है, ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है छोटी सी वीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो हमें कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा, ये देखिए यहां से अगर आप ट्रेलिंग करो इसको, यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट्स का टारगेट मिला है, करीबन यहां पे आपको मिलेगा 150 पॉइंट्स का यहां पे टारगेट मिला है बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते, हाँ ये देखिए यहां पे भी देखिए क्या है, तीन कंडीशन, सिग्नल मिलना चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए, ट्रेंड नेगेटिव होना चाहिए, यहां पे हम एंट्री बनाते, यहां से लाते 50 पॉइंट आराम से स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो ओके, ठीक है, यहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है एंट्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव, ट्रेंड नेगेटिव, ट्रेंड पॉजिटिव, हाँ यहां पे भी है सिग्नल पर ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, उसके बाद मार्केट गया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बैकटेस्ट करेंगे इसको, जहां पे सही कंडीशन मिलेगी ना वहीं पे एंट्री ये देगा, और वन मिनट का, हाँ यहां पे देखिए कितना अच्छा ट्रेड बना है। ठीक है, क्या है, यहां पर सिग्नल मिला है, ट्रेंड नेगेटिव है, कोई वीक है नहीं है, एंट्री बनाएंगे कितने पॉइंट्स, 200-250 पॉइंट, 250 पॉइंट का टारगेट यहां पे मिल गया, तो बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप लोग बैकटेस्ट कर सकते हो। यहां पे क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है, वीक है नहीं है, ट्रेंड क्या बोलते, सिग्नल मिला है, हाँ मिला है, 50-60 पॉइंट आराम से ये दे देता है। यहां पे भी देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, सिग्नल मिला है, कितने पॉइंट है, 50-60 पॉइंट, ट्रेंड पॉजिटिव है, सिग्नल मिला है, यहां पे देखिए वीक नहीं है, कितना है, 100 पॉइंट्स, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, ये छोड़, ट्रेंड नेगेटिव है, ठीक है, यहां पे एंट्री बनाएंगे 50-60 पॉइंट आराम से, ट्रेंड नेगेटिव है, नेगेटिव है कोई बात नहीं, ट्रेंड नेगेटिव है, नहीं यहां पे भी नहीं बनाए, यहां पे देखिए ट्रेंड क्या है, नेगेटिव हो चुका है, और यहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, अगर हम इसको ट्रेल करते तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट होता, करीबन 300 पॉइंट मार्केट यहां से गिरा है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप लोग एक बार बैक टेस्ट करिए, कैसी लगी आपको बैक मेरी जो स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहता हूं। अब बात करेंगे मैं ये जो इंडिकेटर है उनके बारे में। ठीक है, तो आपको पहले पहला जो इंडिकेटर है, ठीक है, मैं यहां पे निकाल देता हूं दोनों इंडिकेटर। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, चार्ट पे जाके वन मिनट का टाइम फ्रेम लगा के हाई के नीचे कैंडल जो कि ये देखिए यहां पे क्या होता है, ये नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, यहां पे देखिए ये सारी नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जाके आपको सिलेक्ट करना है हाई के नीचे, तो इस तरह से कैंडल आपके पास चार्ट पे बनेगी। ओके, और उसके बाद आपको सर्च करना है 3LS, ठीक है, थ्री लाइन स्ट्राइक, जो दी टीआरडी फ्लोर जो है, दी टीआरडी फ्लोर, उसका इंडिकेटर आपको चार्ट पे लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से बाय सेल के सिग्नल आपके चार्ट पे बन जाएंगे। उसके बाद सेकंड इंडिकेटर लगाना है आपको ट्रेंड मैजिक। ठीक है, ट्रेंड मैजिक ये वाला जो इंडिकेटर है Q1O वाला, ठीक है, इसको आपको लगा देना है। तो इस तरह से लाइन जो है आपके चार्ट पे आ जाएगी, इसका कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या फिर देखिए यहां पे ट्रेंड मैजिक करके और एक भी इंडिकेटर है, ट्रेंड मैजिक, हाँ ट्रेंड मैजिक है ये वाला, हाँ ये वाला है। ठीक है, ट्रेंड मैजिक बाय GLAZ, ये वाला लगाना, ये मत लगाना। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आपको लगा देना है, और कोई सेटिंग नहीं करनी है, बस इसको आपको वन मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम पे, पर बड़े टाइम फ्रेम पे फिर बहुत सिग्नल बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, जबकि छोटे टाइम फ्रेम पे क्विक एंट्री क्विक एग्जिट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे एक बार जी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट डाल देना, इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।